चलो स्वागत है आप सबका आज इस खुले सितारों भरे आसमान के तले हम सुनाएंगे एक उड़ान की कहानी, एक निर्माण की कहानी। इस कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, एक हमारा देश भारत जो अनुभव और प्रेरणा से भरी एक सतत प्रवाहित धारा है, और दूसरी नव्या जो भारत का कल है, एक उत्सुक चंचल और जिज्ञासा से भरी देश की बेटी जो कुछ नया जानना चाहती है। आज हम अपने गौरवशाली अतीत के विषय में जानेंगे और अपने उज्जवल भविष्य पर दृष्टि डालेंगे, तो चलिए मेरे साथ इस यात्रा पर। प्रस्तुत है नव्या की उड़ान, भारत का निर्माण। खोल दी एक नई राह,
जिस पर चलकर तुम जैसे बच्चे अपने सपनों को सच्चाई में बदल सको। कैसे कैसे? और बताइए ना। बताता हूँ और दिखाता भी हूँ। आओ मेरे साथ, तुम्हें तारों की कहानी सुनाता हूँ। रुको रुको, मैं आपके पीछे आ रही हूँ। नविया, तुम्हें पता है हम भारतीयों को कई शताब्दियों पहले से ही अंतरिक्ष की गहराई का ज्ञान था। कई शताब्दियों पहले मतलब? 5वीं शताब्दी की बात है, जब आर्यभट्ट नामक महान गणितज्ञ ने बताया कि पृथ्वी एक अक्ष पर घूमती है। नहीं नविया, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण ऐसा नहीं होता। और इसी पर प्रकाश डालने वाले थे 12वीं शताब्दी में हमारे गणितज्ञ भास्कराचार्य, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को पहचाना और प्रख्यात खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोनॉमर वराहमिहिर द्वारा रचित सूर्य सिद्धांत में इसका वर्णन भी किया गया है। मध्ये सामंत दस्य भूगोलो व्योमनि तिष्ठति बिभ्राणाः परमं शक्तिं ब्रह्मणो धरणात्मिकम्। इसका मतलब? अब मैं तुम्हें समझाऊं तो कभी न थकती कभी न थमती ब्रह्मांड बीच में गोलाकार धरती गुरुत्वाकर्षण का नियम निभाए अंतरिक्ष की शोभा बढ़ाए। सोच के देखो, गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान वो भी इतने साल पहले। और नव्या, 17वीं शताब्दी में जाकर पश्चिमी दुनिया ने ग्रेविटी के नियम का उद्घोष किया यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम को विश्व ने 500 साल बाद जाना। यानी अंतरिक्ष ज्ञान में हम युगों युगों से कुशल थे? कुशल तो हम बहुत सारे क्षेत्रों में थे। शून्य यानी जीरो और दशमलव यानी डेसिमल सिस्टम के जन्मदाता तो हम ही हैं नव्या। हमारे यहाँ गणित और अंतरिक्ष विद्या की एक अद्भुत साझेदारी रही है। तभी मैंने पढ़ा था कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि हम भारतीयों के ऋणी हैं, जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक कहा तुमने नवीन। चलो अब 20वीं शताब्दी की बात करते हैं। जब 1947 में हम आजाद हुए तो फिर तिरंगे को आसमान से कहीं ऊपर फहराने का स्वप्न भी जागृत हुआ और शताब्दियों के ज्ञान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अवसर मिला। मुझे याद है कि 60 का दशक था, हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिनके कार्यकाल में वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई तथा डॉक्टर रामनाथन और उनके साथियों की मेहनत से इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च INCOSPAR INCOSPAR का जन्म हुआ। जिसका बाद में नाम पड़ा इसरो। इसरो का नाम तो मैंने भी सुना है। जरूर सुना होगा तुमने। पता
है इसी दौरान बना थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। और 1963 में यही से पहला साउंडिंग रॉकेट प्रमोचित यानी लॉन्च हुआ, यानी वो रॉकेट जिसके उपयोग से उपग्रहों को लॉन्च करने में मदद मिली। एक छोटा गांव था थुम्बा, जहां नारियल के पेड़ों के खेत में एक रॉकेट लॉन्च पैड बनाया गया था। तब रॉकेट के पुर्जों को वैज्ञानिकों द्वारा साइकिल पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया गया। सिर्फ गर्व का विषय ही नहीं था, हमारे सपनों की राह भी आसान हो रही थी। आसमान और किसान के बीच एक रिश्ता जुड़ रहा था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा लाई गई हरित क्रांति और दूसरी ओर आसमान के माध्यम से किसानों को मिल रही अमूल्य जानकारी टीवी कार्यक्रम कृषि दर्शन से, जिससे देश के विकास में किसानों की भागीदारी और बढ़ गई। इसके बाद लॉन्च हुआ भारत में तैयार किया गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट। वही नाम गणितज्ञ आर्यभट्ट जिनकी बात हमने पहले भी की थी। हाँ बिल्कुल, और नव्या 1980 में मेरा नाम एक बार फिर अंतरिक्ष पर लिखा गया, जब प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम और अन्य दिग्गज वैज्ञानिकों की मेहनत से मेरे पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 से नियर अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक अंतक्षक यानी इंजेक्ट किया गया। और मैं स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बन गया। फिर 1984 में आया वो पल जिसने पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया। वार्डन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? ये मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा। मैं समझ गई, अंतरिक्ष में कदम रखा एक भारतीय ने। अंतरिक्ष में गूंज रहा था प्रताप भारत का,
विश्व भी देख रहा था प्रकाश भारत का। इस सारे जहां से अच्छे देश को अब रोकना संभव था। 1982 से 1990 के बीच इनसेट 1A, 1B, 1C और 1D का सफल प्रमोशन हुआ और 1997 में तो जैसे कुछ लम्हों के लिए वक्त ठहर गया। तुम्हारी ही जैसी एक बेटी ने स्पेस शटल कोलंबिया में उड़ान भरी। और अंतरिक्ष में प्रवेश किया। आज भी हमारे दिलों में कल्पना चावला की निष्ठा, मेहनत और समर्पण की यादें बसी हुई है। एस्ट्रोनॉट भी बन सकती हो और चांद पर भी जा सकती हो। एक और महत्वपूर्ण बात जो तुम्हें जाननी चाहिए, 2003 स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की कि हम अपना अंतरिक्ष यान चांद तक भेजने के लिए तैयार हैं। और 2008 अक्टूबर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में चंद्रयान 1 ने चांद पर देश का झंडा फहरा दिया। जब चांद तक पहुंच गए तो फिर मंगल तक जाना असंभव नहीं लग रहा था। हाँ वही तो, टीचर ने मंगलयान के विषय में बताया था। आपके आने से पहले मैं उसी के बारे में सोच रही थी। नव्या, मैं दुनिया का वो देश हूँ जिसने पहले ही प्रयास में मंगली कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश देश था। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अभूतपूर्व नेतृत्व में इंडिया हैज सक्सेसफुली रीच मार्स। इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है वो वैज्ञानिकों के विश्वास के कारण, उनके पुरुषार्थ के कारण, उनकी प्रतिबद्धता के कारण। अंतरिक्षी उड़ान ने एक अलग ही रफ्तार पकड़ी है। मंगलयान भी वास्तव में
मेक इन इंडिया की भावना को ही साकार करता है। पता है नविया, 2017 में PSLV के जरिए हमने एक बार में